जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, तुम बिन मैं कागज हूं, तुम मिल जाओ तो मैं किताब बन जाऊं। तुम बिन मैं सिर्फ शब्द हूं, तुम मिल जाओ तो मैं प्रेम ग्रंथ बन जाऊं। तुम बिन मैं एक दुआ हूं, तुम मिल जाओ तो मैं इबादत बन जाऊं। बिन तेरे कान्हा मैं कुछ नहीं, तुम मिल जाओ तो मैं पूरी हो जाऊं। बोले माँ के बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। देखो, विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, पर कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सच है। अब आज इस वीडियो में आपको भक्त मणि श्री रघुनाथ जी के जीवन प्रसंग को बताती हूँ, कैसे उन पर प्रभु की कृपा हुई, कैसे श्री हरि अपने भक्तों के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो सफर एक महीने का हो उसे एक रात में पूरा कर लिया जाए, या हलाहल विष से भरा हुआ खाना खाया जाए और कुछ भी ना हो, या साक्षात कृष्ण बलराम जी स्वयं भक्त की रक्षा के लिए आए, ऐसा हो सकता है? देखो, मुझे पता है अभी कुछ कमेंट कर रहे होंगे, मीराबाई का नाम लिख रहे होंगे। बिल्कुल, उन्होंने भी विष का प्याला पिया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और ये कुछ प्रभु के ना ऐसे विरले भक्त हैं जिन पर आए कष्ट कान्हा स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्त हैं रघुनाथ दास महापात्र जी। इनके पिता श्री कृष्ण चंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत धनी दयालु थे वो। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी पति के समान ही सेवा में लगी रहती थी। इन दंपति के एक ही पुत्र थे रघुनाथ महापात्र जी। जब रघुनाथ जी 16 वर्ष के हुए, तब कलावतीपुर के गंगाधर करण नामक धनी मानी पुरुष के अन्नपूर्णा नाम की कन्या से इनका विवाह हो गया। अब समय ने कुछ करवट ली। एक समय ऐसा आया जब देश में लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ा, लोगों को अपने लिए ही रोटी नहीं मिल पा रही थी, ऐसे में वो लगान कहां से देते। इसी से उदार हृदय जमींदार ने लगान वसूल करना ही छोड़ दिया। अब इधर अकाल पड़ने से भूखे कंगले लोग अन्न की आशा में उनके द्वार पर आने लगे। अब हो क्या रहा था, लगान मिल नहीं रहा था, पर भंडारों में खर्चा पूरा हो रहा था। इसी से जमींदारी पे ऋण हो गया। चिंता करते करते वो बीमार हो गए। अपने को मरणसंग जानकर एक दिन उन्होंने रघुनाथ जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटा देखो, मैं तो जा रहा हूं, तुम मेरी एक बात रखना, जहां तक हो सके सारा ऋण चुका देना, किसी को धोखा देने की कभी भी अपने मन में सोचना नहीं, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहके कृष्णचंद जी ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला पति के साथ ही सती हो गई। रघुनाथ जी अनाथ हो गए। अब जो रघुनाथ जी की पत्नी अन्नपूर्णा थी, वो धनी घर की लड़की थी, वो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए उनके माता पिता और भाइयों का उन पर बहुत अधिक स्नेह था, और इस कारण वो पिता के घर ही रह रही थी। रघुनाथ जी के श्वसुर बहुत धनी थे, पर धन के साथ महालोभी और महाकंजूस भी थे। जमाई की मदद करना दूर, उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनका हाल भी नहीं पूछा। रघुनाथ जी भी सहायता मांगने ससुराल नहीं गए। उनके पास जो कुछ था, घर जमीन जायदाद बर्तन कपड़े पशु, इन सब को बेचकर उन्होंने पिता का पूरा ऋण चुका दिया। जो कल तक राजकुमार थे वो आज फटेहाल हो गए। कभी कहीं रहते, कभी कहीं, जो जो दे देता उसी को खा के पेट भर लेते। एक रात क्या हुआ, वो सड़क पर लेटे हुए थे और अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे, और सोच रहे थे इस तरह गांव गांव भटक कर कुत्ते और सुअर की तरह पेट भरते हुए जीवन बर्बाद करने से क्या फायदा, क्यों ना किसी तीर्थ में जाकर भगवान का भजन किया जाए। अब ये सोचकर सुबह होते ही रघुनाथ जी पूरी धाम के लिए चल दिए।
श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके वो उनके सामने हाथ ऊपर करके खड़े हो गए और बोले, प्रभु मेरे माता पिता दोनों मर गए, अब मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अनाथ हो गया हूँ। मैं अब तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय लेने आया हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। रघुनाथ तुम्हारा खरीदा हुआ दास है आज से। और ये कह के रघुनाथ जी ने सच्चे दिल से प्रभु के सामने समर्पण कर दिया। और सिर्फ उन्होंने शब्द नहीं कहे थे, अपने आप को पूरी तरह जगन्नाथ जी को समर्पित भी कर दिया था। और वही होता है ना, सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। रघुनाथ जी अब पुरी में ही रहने लगे, उनका चित पूरी तरह से श्री जगन्नाथ जी की शरण में हो गया। उन्हें अपने घर के ऐश्वर्य या पत्नी किसी भी चीज का कभी याद नहीं आती थी। वो हर समय हर पल सिर्फ प्रभु के ध्यान और नाम जाप में मग्न रहते थे। रघुनाथ जी की ससुराल में उनका समाचार पहुंचा कि भाई वो गरीब और दरिद्र हो गए हैं और पुरी में जाकर बस गए हैं। अब जो उनके श्वसुर थे गंगाधर जी, उन्होंने रघुनाथ जी को खूब खरी कोटी सुनाई और अपने पुत्रों से कहा, ऐसे भिखारी को हम अपनी बेटी तो नहीं दे सकते, हमें समझ लेना चाहिए कि अन्नपूर्णा का कभी ब्याह नहीं हुआ है और अब हमें उसका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। अब भिखारी को संबंधी मानना पिता की तरह ही पुत्रों को भी स्वीकार नहीं था। सब दूसरे विवाह की बात पे राजी हो गए। ढूंढने पर राजमंत्री का पुत्र वसु महापात्र उन्हें वर के रूप में मिल गया। वसु महापात्र बहुत कामी पापी था। फागुन की शुक्ल पंचमी विवाह की तिथि निश्चित की गई। गंगाधर और मंत्री पुत्र दोनों धनी थे, इसी से समाज में उनका विरोध करने का साहस किसी को भी नहीं हुआ। अन्नपूर्णा की उम्र उस समय 15 साल की थी। दूसरे विवाह की बात से वो बहुत दुखी थी, पर वो कर ही क्या कर सकती थी, है ना, अपने माँ बाप के सामने तो कुछ नहीं कह सकती थी। मन ही मन वो भगवान को पुकारने लगी, प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरे प्राण ना जीवित है और मेरे पुनर्विवाह की बात चल रही है। मैं अपना शरीर तो स्वामी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ, इस शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, दूसरे का मुख मैं इस शरीर से कभी ना देख सकूंगी। हे दया सागर, मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ, तुमने द्रौपदी की लाज रखी, गजेंद्र के प्राण बचाए, आज मुझ दीना की पुकार भी सुनो दीनानाथ, मेरा उद्धार करो प्रभु उद्धार करो। अन्नपूर्णा अब दिन रात अकेली बैठी बैठी भगवान से बस यूं ही प्रार्थना करती रहती, आंसू बहाया करती। उसे खाना पीना हंसना सोना बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके घर में एक पुरानी दासी थी जिसने अन्नपूर्णा को पाला था। अब उस दासी को अन्नपूर्णा ने अपना दुख अपना हाल बताया तो उस दासी ने बोला कि मोहल्ले के कुछ लोग पुरी धाम जाने वाले हैं। अब अन्नपूर्णा ने सोचा शरीर छोड़ने से पहले एक पत्र अपने पति को तो जरूरी लिखना चाहिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर मेरे पति का अधिकार है तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि मेरा क्या हो रहा है। अब उसने एक पत्र पति को लिखा और उसमें सब बातें लिख डाली और बोला कि भाई जल्दी आ जाओ। अब पत्र के अंत में उसने लिखा, मेरे स्वामी मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, फागुन शुक्ल पंचमी को ये अनर्थ होना तय हुआ है, यदि इस बीच में आपने आकर मुझे दर्शन ना दिए तो मैं अवश्य ही अपने प्राण त्याग दूंगी, अपना शरीर छोड़ दूंगी। अब ये पत्र लिख के अन्नपूर्णा ने दासी को दिया, दासी ने वो पत्र यात्रियों को दे दिया। अब वो यात्री वहां से पुरी धाम के लिए निकले, एक महीने का समय लगता था। वो यात्री माघ के अंतिम दिनों में पुरी पहुंचे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने रघुनाथ जी को ढूंढ के वो पत्र दिया। रघुनाथ जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो बहुत परेशान हो गए। कलावती पुर लगभग एक महीने का सफर था और अब फागुन शुक्ल पंचमी को सिर्फ 10 दिन ही बचे थे। अब वो सोच रहे थे मैं क्या करूं कैसे करूं, 10 दिन के अंदर मैं कैसे पहुंच सकता हूं, किसी भी हालात में वो इतनी जल्दी तो पहुंच ही नहीं सकते थे। पैसा उनके पल्ले में एक नहीं था कि गाड़ी किसी और चीज का वो इंतजाम करते, घोड़े से लगातार चलते हुए जाते तो भी एक महीने का सफर 10 दिन में नहीं कर पाते।
रघुनाथ जी ने अपने प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे करुणा सागर प्रभु, एक सती व्याकुल हो रही है, उसके दुख को मिटाओ, अब आपके अतिरिक्त उसका कौन सहारा है, तुम्हारे सिवा अब उसका कोई रक्षक नहीं, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अब इस तरह प्रार्थना करते हुए वो पूरी धाम में सिंह द्वार के पास ही टाट का एक फटा चीथरा डालकर और वहीं पे लेट गए। उनके पास कोई जगह वगैरह तो कुछ थी नहीं रहने का, घर वगैरह तो कुछ था नहीं। अब देखो, जो अपने को निर्बल समझकर श्रीहरि की शरण लेता है, उसकी पुकार को वो दीनानाथ बहुत जल्दी सुनता है। कृपा सागर प्रभु ने सोते हुए रघुनाथ को कलवंतीपुर में रात ही रात में पहुंचा दिया। अब रघुनाथ जी जब सुबह उठे तो एकदम चौंक पड़े। उन्हें पुरी के मंदिर का सिंह द्वार आदि कुछ नहीं दिख रहा था, जो भवन वगैरह वहां थे वो उन्हें कुछ नहीं दिख रहे थे, बड़ी अजीब सी जगह लग रही थी। वो उठे और उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो कलावंतीपुर में गंगाधर करण की कोठरी के सामने पड़े हुए हैं, मतलब अपने ससुर की कोठी के सामने। अब भगवान जगन्नाथ की कृपा को सोचकर वो तो बहुत ही खुश हुए। अब उसी समय गंगाधर के पुत्र घर से बाहर आए तो रघुनाथ को देखकर उनके तो मुख ही सूख गया, बिल्कुल चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब वो करे तो क्या करे, लोक लाज के भय से गंगाधर ने जमाई को घर के अंदर बुला ही लिया। अब जब अन्नपूर्णा ने ये सुना कि वो आ गए तो वो तो बहुत खुशी हुई। ससुर और सालों ने अपने मन की बात को छुपा के कि वो उसे कितना रुष्ट थे या एक भिखारी को वो अपना जमाई नहीं मानते हैं, इन सब बातों को छुपा के रघुनाथ जी का पूरा आदर सत्कार किया। भोजन के बाद रघुनाथ जी विश्राम करने लगे। उस समय अन्नपूर्णा ने आके अपने पति के चरण छुए और उनका हाल चाल पूछा। अब उधर दूसरी तरफ यहाँ पे रघुनाथ जी से उनकी पत्नी बात कर रही है, दूसरी तरफ गंगाधर ने सबको बुला के और कहा, भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि आज ही रात को विष देकर इस भिखारी को समाप्त करना चाहिए, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, कौन ही पूछेगा इसके बारे में। अब गंगाधर की पत्नी ने कहा, भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसने क्या किया, बहुत तरह के भोजन रघुनाथ जी के लिए बनाए और उनमें जहर मिला दिया। माता पिता और भाइयों को देख के अन्नपूर्णा के मन में कुछ तो शक सा हुआ, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने क्या किया, वो रसोई में सहायता देने के बहाने अपनी माँ के पास पहुंची। अब वहां पे उसको पता चल गया कि भाई इनकी तो यही योजना है, ये तो खाने के अंदर जहर मिला रहे हैं, और ये जान के उसका तो दिल कांप गया। पति को सावधान करने के लिए वे दौड़ के उसके पास गई, पर गंगाधर के लड़के रघुनाथ जी को सैर कराने के बहाने घर से बाहर ले गए थे। अब वो बेचारी करे तो क्या करे। अन्नपूर्णा को पता था कि ससुराल में उसके स्वामी भोजन से पहले बड़े प्रेम से पिष्टक, ये एक बंगला मिठाई होती है, उसे खाते हैं, इसलिए उसने ताड़ पत्र के एक टुकड़े पर लिखा, भोजन में विष है। और फिर अवसर पाकर एक पिष्टक में उसने वो ताड़ पत्र का टुकड़ा रख दिया। अब सोने के थाल में भोजन परोसकर सास ने जमाई को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ जी आए, उस भोजन को भगवान को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिपकर ये देख रही थी, उसका दिल डर से धक 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 कर रहा था। उसके पति ने सबसे पहले वही पीस पिष्टक का उठाया और उसमें जो ताड़पत्र था उसको देख लिया और उसको पढ़ लिया। अब ये देखकर अन्नपूर्णा थोड़ी निश्चित हो गई और वहां से चली गई कि भाई मेरे स्वामी ने पढ़ लिया, आप तो वही खाना नहीं खाएंगे। रघुनाथ जी ने जब ताड़पत्र देखा तो वो सब समझ गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। वो मन ही मन कहने लगे, प्रभु मेरे लिए तो आपका ये पवित्र प्रसाद है, जहर वाला खाना नहीं, मैं इसे तो नहीं छोड़ सकता, पर देखो मैं कितना पापी हूं, आपको अनजाने में आज मैंने विष का खाना खिला दिया, उसका भोग लगा दिया, ठाकुर जी इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी प्रेरे प्राण जाएं या रहें आपकी मर्जी है, पर आपके प्रसाद को, आपके भोग का मैं अपमान नहीं कर सकता और इसको तो मैं जरूर खाऊंगा। रघुनाथ जी ने जानबूझकर वो विष मिला हुआ खाना खा लिया, थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा कि कभी किसी और को कोई परेशानी हो जाए। अब वो जहर बहुत तेज था, रघुनाथ जी तभी जमीन पे गिर गए और छटपटा के उनका शरीर अकड़कर नीला पड़ गया।
गंगाधर की पत्नी देखकर बड़ी खुश हुई और दौड़ के अपने पति और पुत्रों को ये बात बताई। अब सब बड़े खुश हुए कि चलो भाई भिखारी से छुटकारा मिला। फिर सबने सोचा कि सुबह हम लाश को गाड़ देंगे और सबको कहेंगे कि रात को रघुनाथ को सांप ने काट लिया। अब इन सब ने प्लानिंग कर ली। अब ऐसा सोचकर उन्होंने कमरे का दरवाजा, जहां रघुनाथ जी अंदर पड़े हुए थे, उसका कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर दूसरी तरफ अन्नपूर्णा का मन घबरा रहा था, वो बेचैन थी बहुत। उसने माता पिता तथा भाइयों को कानाफूसी करते सुना तो उसके मन में कुछ शक सा हुआ। सबके चले जाने के बाद वो उस कमरे के पास गई। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर दीपक जल रहा था। वो अंदर गई तो देखा रघुनाथ जी का मृत शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ, और ये देखते ही वो तो धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। बेहोशी दूर होने पर उसने देखा कि उसके स्वामी ऐसी हालात में पड़े हुए हैं। वो दुखी मन से भगवान को पुकारने लगी। व्याकुल हृदय की पुकार वो दया धाम दीनानाथ जी हरि बहुत जल्दी सुनते हैं। उसी समय अन्नपूर्णा को कमरे में कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा तो पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भरा हुआ था। उसने सुना कोई दिव्य स्वर में कह रहा था, बेटा रघुनाथ तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है, चल उठ जा, देख मैं आ गया, ये विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसी समय रघुनाथ जी उठे, अंगड़ाई ली और बैठ गए। अन्नपूर्णा ने जब देखा तो वो इतनी खुश हुई कि पहले तो वो दुख से मूर्छित हुई थी, अब खुशी के मारे मूर्छित हो गए। रघुनाथ जी इस प्रकार जगे जैसे गहरी नींद से किसी ने उन्हें उठा दिया। एक बार उन्होंने चारों तरफ देखा, अब क्या हुआ, भगवान उसे जीवन दान देके उसी समय अदृश्य हो गए थे, तो रघुनाथ जी ने उनके दर्शन तो नहीं किए। पर रघुनाथ जी को कुछ याद सा आ रहा था कि वो तो विष खाकर मर चुके थे, और वो सोच रहे थे कि सर्व समर्थ भक्त वत्सल श्री हरि को छोड़ के भला और कौन उन्हें जीवन दान दे सकता है, ये मन ही मन वो सोच रहे थे। प्रभु प्रेम में ये सोच सोच कर वो कितना रोए कितना हंसा इसका कुछ ठिकाना नहीं। राम कृष्ण हरि कहते हुए वो खड़े होकर नृत्य करने लगे। फिर अपने प्रभु को याद करते हुए चैन से वहीं पे लेट गए। दूसरी तरफ मूर्छा दूर होने पर अपने पति को स्वस्थ और आराम करता हुआ देखकर अन्नपूर्णा भी वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। अब जब वो अपने कमरे में जाके लेटी तो उसके पिता ने आके उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब अन्नपूर्णा के माता पिता भाई किसी को भी अंदर ही अंदर चैन नहीं पड़ रहा था। सबको तो लग रहा था कि भाई वो तो वहां कमरे में मरे हुए पड़े हैं और ये दूसरे कमरे में अपने बैठे हुए सारे प्लानिंग कर रहे थे। सबको उनका पाप मन ही मन डरा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अभी कोई शिकायत कर देगा, राजा के सैनिक आएंगे और उन्हें कैद कर देंगे। पक्षी की फड़फड़ाहट हो या पत्तों के हिलने की आवाज, इससे भी एकदम ही वो बहुत ज्यादा डर जाते थे, व्याकुल हो जाते थे और इधर उधर देखने लग जाते थे। अब जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो उन्होंने सोचा भाई अब मुर्दे को गाड़ देना चाहिए। वो जहां रघुनाथ जी को बंद किया था वहां पे गए। द्वार खोलते ही गंगाधर जी तो हैरान रह गए, रघुनाथ जी स्वस्थ शरीर से बैठे हुए थे और नाम जाप कर रहे थे। उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। गंगाधर ने उनको देखा तो वो समझ गया कि भाई ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने उसी समय उनके चरण पकड़ लिए। रघुनाथ जी ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने ही पिछले जन्म में किसी को विष दे के मारा होगा, इसी से मुझे इस जन्म में विष खाना पड़ा। विष खाने पर भी मेरे स्वामी जगन्नाथ जी ने अपनी दया से मुझे जीवित कर दिया। आप लोगों को अगर धर्म का कुछ भी विचार हो तो कृपया करके मेरी पत्नी मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ लेके चला जाऊंगा, और जो आप ना देना चाहो तो आपकी इच्छा, पर अब मैं जाना चाहता हूं और मैं जाऊंगा। गंगाधर ने उन्हें एक दिन रुकने को कहा, पर रघुनाथ जी नहीं रुके और घर के बाहर पेड़ की छाया में जाके बैठ गए और बोले, भाई अगर मेरी स्त्री को भेजना है, मेरी पत्नी को भेजना है, तो अभी भेज दो, मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं। अब गंगाधर ने अंदर जाके अपनी पुत्री से उसकी इच्छा पूछी तो उस पतिव्रता ने दृढ़ता से कहा,
पिताजी मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे पतिदेव राह के भिखारी सही, पर मेरे लिए तो वो देवता है, एकमात्र वो ही मेरी गति है, मैं उनके साथ ही जाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे पर पुरुष के हाथ देना चाहते हैं, पिता होकर भी आप अपनी कन्या को व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं, ये एक वैश्य का काम होता है, धिक्कार है आपको। प्राण रहते तो देखो मुझे कोई दूसरा छू नहीं सकता, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सती के श्राप से आपका ये सारा वैभव भस्म हो जाएगा। और ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी और पिता के पैरों पे गिर पड़ी और अपने पति के साथ भेज देने की प्रार्थना करने लगी। अब गंगाधर जी रघुनाथ जी का प्रभाव और पुत्री की दृढ़ता देख के डर गए। उन्होंने बहुत से रत्न धन के साथ कन्या को रघुनाथ जी के साथ विदा कर ही दिया। रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ जय जगन्नाथ कहते हुए पुरी की ओर चल पड़े। अब दूसरी तरफ गंगाधर को भिखारी के हाथ पुत्री सौंपने पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक होता ना उनको अहंकार भी था कि मैं इतना धनी और मेरा जमाई ऐसा भिखारी। अब जो पापी होता है ना वो कभी भी बड़ी आसानी से पापों से मुक्त नहीं हो सकता, तो उनको अभी भी अकल नहीं आई। उन्होंने क्या किया, मंत्री पुत्र के पास संदेशा भेज दिया कि अन्नपूर्णा को एक कंगला लिए जा रहा है, अगर तुम में हिम्मत हो तो उसे मार के अन्नपूर्णा को ले आओ, हम तुम्हारा ब्याह उसके साथ करा देंगे। अब जैसे ही मंत्री पुत्र ने यह समाचार सुना तो कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथ जी की खोज में भेज दिए। रघुनाथ जी तो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए आराम से चले जा रहे थे, पीछे से इतने घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दे रही थी, सैनिकों की ललकार सुनाई दे रही थी, जिसको सुनके अन्नपूर्णा डर गई। रघुनाथ जी ने कहा, तुम डरती क्यों हो, मेरे स्वामी का नाम जगन्नाथ है, क्या तुम ये नहीं जानती हो, जो विष से मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, उन दया धाम की लीला देखती चलो और निडर होके अपने आप को पूरी तरह उन पे समर्पित कर दो। अब अन्नपूर्णा को भी बात सही लगी। अब दोनों जय जगन्नाथ जी करते हुए आराम से चल रहे थे। उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार वहां आए और पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और कहां जा रहे हो और आपके पीछे सेना क्यों पड़ी हुई है। तो रघुनाथ जी ने बड़े आराम से बिना किसी डर के उससे सारी बातें बता दी और बोला, मैं तो श्री जगन्नाथ जी का दास हूं, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो ही मेरे रक्षक है। अब उन राजपूतों ने कहा, हम आपके साथ चलते हैं, आप डरो मत, देखते हैं हमारे रहते कौन तुम पर आक्रमण कर सकता है। रघुनाथ जी तो तभी समझ गए कि देखो इस तरह से बिना किसी कारण के असहायों की सहायता करने वाला और भला कौन हो सकता है ना। अब वो आराम से चलने लगे। अब वो दोनों पैदल पैदल चल रहे, साथ में घुड़सवार चल रहे दोनों। मंत्री पुत्र ने देखा कि दो राजपूत उनके साथ चल रहे हैं। तभी मंत्री पुत्र ने क्या देखा कि क्षण भर में ही वो दोनों ही लाखों हो गए हैं। अभी देखते के साथ ही मंत्री पुत्र और उनके सैनिक तो भाग खड़े हुए कि भाई ये क्या माया है, ये अभी तो दो ही थे और अभी इतनी बड़ी सेना इनकी दिख रही है। राज्य की सीमा पार हो जाने पर दोनों राजपूत रघुनाथ जी से विदा लेके चले गए और बोला, आगे डरना नहीं। अब उन्होंने कहा, भाई हमें डर किस चीज का, जगन्नाथ जी जाने। दोनों चल पड़े। कुछ ही दिनों में वो दंपत्ति पुरी पहुंच गए। पिता के दिए धन से अन्नपूर्णा ने मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर एक घर ले लिया। अब दोनों पति पत्नी प्रेम से भक्ति में लग गए। श्री कृष्ण कथा कहना सुनना, नाम कीर्तन और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उनके दिव्य प्रेम में लगे रहना, यही उनका जीवन बन गया। और बनता भी क्यों नहीं, देखो ठाकुर जी ने कितनी ही कृपा करी है ना। सच है, जब जगत के नाथ हो साथ तब फिर नहीं डरने और घबराने की कोई बात। जय जगन्नाथ जी, जय सुभद्रा जी, जय बलराम जी, बोलो भक्त और भगवान की जय, दीन वत्सल दीनानाथ प्रभु की जय, मेरे बांके बिहारी लाल की जय। ओ मेरे प्यारे बांके बिहारी, मैं आई हूं शरण तिहारी, रख लो अपनी सेवा में दो भक्ति का दान, तुम हो भक्तों का सहारा, तुम ही हो हमारे प्राण, हम तो आए शरण में तिहारी, तुम तारो ना तारो
अब ये है मर्जी तुम्हारी, मेरे हृदय के अरमान है ये, निगाहों में बस जाए प्यारी सूरत तुम्हारी। आठों पहर मैं तुम्हें ही निहारूं, बातें करूं तो करूं मैं तुम्हारी। माया में लिपटे हुए जीव हैं हम, दया की नजर तुम रखना मुरारी। जब भी जन्म लूं बनूं दासी तेरी, सेवा में अपनी लगाना मुझे कृष्ण मुरारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर भगवान के प्रेम और भक्त की भक्ति की इस सुंदर कथा ने दिल को जीता, आंखें नम हुई, शरीर में कुछ कंपन हुआ, भगवान पर विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।